मुझे पता है जब वीडियो जाएगा तो मम्मी क्या कहेंगे। मम्मी कहेंगे गोली तेरे पास और कोई शर्ट नहीं है, हर वीडियो में वही शर्ट पहन के बैठ जाता है। मम्मियाँ होती हैं ना, वो ये सारा हिसाब रखती हैं, कौन से वीडियो में कितनी शर्ट पहनी, फिर बाहर गया था तो यही शर्ट पहन के क्यों जाता है, शर्टें क्यों खरीदता है अगर वही शर्ट पहननी होती है तो। हमारी मम्मी भी वैसी हैं जी। एनी वेज, मॉरल द स्टोरी ये नहीं है कि मैंने शर्ट पहनी हुई है, मॉरल द स्टोरी ये है कि सीख कबाब बनाना है, और सीख कबाब ऐसे बनाना है कि कोई भी बना ले घर पे, चाहे तंदूर हो ना हो। और बड़ी सिंपल सी रेसिपी है। म्यूज़िक के बाद मिलते हैं। मैं सोचता हूँ शर्ट चेंज करूँ या इसी शर्ट में शूट करो। कॉलिंग एंड एक्शन। तो जी, अगर आप भी करते हैं अपनी मम्मी से प्यार तो सेम शर्ट बारी बारी मत पहनो यार, हैं? हमने तो जो है अपने आप को तानों से बचा लिया, अब आप अपने आप को इस खतरनाक खूबसूरत रेसिपी से कैसे बचाएंगे वो सोचे, क्योंकि 10 मिनटों में बन जाएगा सीख कबाब। हर बार की तरह मैंने प्रॉमिस कर दिया 10 मिनट, एडिटर बेचारा लोड ले लेता है। तो जी नमस्कार, मैं रणवीर ब्रार, बनाते हैं सीख कबाब बगैर तंदूर, और सीख कबाब भी बनाऊंगा और आपको सीख कबाब मसाला बनाना भी सिखाऊंगा, क्योंकि कई बार क्या होता है सीख कबाब बड़े बड़े ड्राई हो जाते हैं, हमें पता चलता है उसके बाद क्या करें, तो फिर हम उसके बाद सीख कबाब मसाला बना सकते हैं। तो मटन सीख कबाब बनाने के लिए आपको चाहिए मटन का कीमा, ठीक है ना? और मटन सीख कबाब और चिकन सीख कबाब में क्या फ़र्क होता है, क्या डिफरेंसेस होते हैं, कैसे उनको अलग अलग ट्रीट करना है, साथ साथ बात करते रहेंगे। फिलहाल मटन का जो कीमा है वो दरड़ा यानी कि मोटा होना चाहिए, देखिए एकदम बारीक कीमा नहीं करना है। सबसे पहला फ़र्क तो ये है चिकन सीख कबाब और मटन सीख कबाब में। दूसरा, ये 50-50 कर लीजिए इसको, 50% हम कीमे को रखेंगे मोटा और 50% इसको करेंगे पतला। हम सिर्फ इसको सीजन करेंगे, ये जो रेसिपी है ना बहुत कामयाब रेसिपी है। और दूसरी चीज़, प्रोपोर्शंस अगर आप पकड़ लेंगे तो उसके बाद फिर ये मटन सीख कबाब की प्रॉब्लम आपके पास लाइफ भर के लिए सॉल्व हो जाएगी, ठीक है? जूसी नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पहली चीज़ तो ये कि इस गोश्त में कम से कम 15-20% चर्बी है। अपने बुचर के पास जाएं, उसको बोलें कि भैया गोश्त दे दीजिए, रान का गोश्त दे दीजिए, कंधे का गोश्त दे दीजिए, और कीमा करते समय उसके अंदर किडनी फैट डाल दीजिए 15-20%। 20% से ज़्यादा मत डालिएगा वरना संभलेगा नहीं कबाब, ठीक है? किडनी फैट जो है वो एकदम क्लीन फैट होता है, यानी कि रज़ाइत देता है लेकिन जायका एकदम क्लीन रखता है। अब मैं क्या करूँगा, इसको डबल सीजन कर दूंगा, यानी कि इसके अंदर हर चीज़ डबल, क्योंकि बाद में दोनों मिक्स होंगे, और जब मिक्स होंगे तो सीजनिंग बराबर हो जानी चाहिए। बस इसको मैं टच भी नहीं कर रहा हूँ। देखिए अदरक लहसुन पेस्ट जो है अपनी गर्मी से गलाता है गोश्त को। घर पे आपका कीमा मशीन नहीं है, मिक्सी में घुमा लीजिए, लेकिन आधे कीमे को दोबारा पीसने के लिए रेडी रहिए। ये गई हरी मिर्च, ये मैं इसके हिसाब से नहीं डाल रहा हूँ, मैं इसके हिसाब से डाल रहा हूँ, ठीक है ना? अब जी धनिया और पुदीना, पुदीना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना, मतलब धनिया को तो हम नज़रअंदाज नहीं होने देते, पर इस केस में पुदीना भी इंपॉर्टेंट है। पुदीने और मटन का जो कॉम्बिनेशन है बहुत कमाल है। अच्छा, अब अगर आपको अच्छी चर्बी ना मिले, किडनी फैट ना मिले, तो रिचनेस कैसे लाएं? दो चीज़ें कर सकते हैं, तीन चीज़ें कर सकते हैं। एक तो चीट है, थोड़ा सा मेयोनेज डाल सकते हैं, मेयोनेज से रिचनेस आती है। दूसरा, चीज़ डाल सकते हैं। तीसरा, घी डाल सकते हैं। चौथा, चीज़ और घी मिला के भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ डालूंगा। अब जो है बाइंडिंग के लिए बहुत कुछ जा सकता है इसके अंदर। हम डालेंगे काजू और बादाम। आप चाहें तो काजू का पेस्ट बना सकते हैं अलग से, वो भी डाल सकते हैं, बट क्योंकि कीमा होना है तो काजू का भी अपने आप ही कीमा हो जाएगा, बस बारीक चॉप करके, इसलिए मैं डाल रहा हूँ। अब अगर हम बना रहे होते हैं चिकन सीख कबाब तो हमको ऐसे दो हिस्से हिस्से करने की ज़रूरत नहीं थी। हम क्या करते, बस टोटल चिकन मिंस लेते, उसमें सब कुछ डालते और एक बार मिक्सी में घुमा देते। क्योंकि चिकन सीख कबाब से जो एक्सपेक्टेशन होती है वो होती है कि भाई एकदम स्मूथ होगा। जो गोश्त का सीख कबाब है, मटन सीख कबाब, वो स्लाइटली चंकी हम एक्सपेक्ट करते हैं ना, इसलिए हमने आधा आधा कर लिया यहाँ पे प्रोग्राम। बचे मसाले, लाल मिर्च देगी वाली, हाँ रंग वाली, मेरा प्रिय मित्र, धनिया थोड़ा पाउडर और थोड़ा क्रश, वो चंकीनेस के लिए। हेलो जी, ये क्या, शाही जीरा, शाही जीरा या स्याह जीरा, काला जीरा, बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है सीख कबाब में। इट्स एन एक्सेलेंट कॉम्बिनेशन, खासतौर अगर आप मटन सीख कबाब बना रहे हैं। अगर आप चिकन सीख कबाब बना रहे हैं तो कोई जीरा वीरा कुछ नहीं चाहिए। आप चाहिए तो थोड़ा सा गरम मसाला डाल लीजिए चिकन सीख कबाब में, यहाँ पर कोई गरम मसाला नहीं पड़ेगा, सिर्फ बड़ी इलायची के पड़ेंगे जी दाने, ठीक है, थोड़े से क्रश करके। मेरा फेवरेट कॉम्बिनेशन है जी, मटन के साथ कभी फेल नहीं होता,
50% ब्लैक पेपर, 50% ब्लैक कार्ड। खुशबू जो है गदगद कर दिया उसने ऑलरेडी। ये हो गया जी हमारा प्रोग्राम 50% का। याद रखिए ये बेचारा वैसे ही सौतेला व्यवहार पा रहा है, हाँ? इसको हम बाद में सारी मोहब्बत दे देंगे, फिलहाल इसको मिक्सी में घुमा लीजिए। इस स्टेज पे जो भी आपके घर की सबसे पावरफुल मिक्सी है उसमें धीरे 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 करके घुमा लीजिए, उसके बाद बाकी का प्रोग्राम करेंगे। मिक्सी में घुमाने से पहले एक बार हाथ से मिक्स कर लीजिए। लग रहा है ना कि एक्स्ट्रा स्ट्रांग है, लेकिन इसमें हिस्सा जो है इसके सौतेले भाई का भी है। और जिस कारण से मैं इसको ग्राइंड कर रहा हूँ और बारीक कर रहा हूँ वो ये है कि चंकीनेस तो यहाँ से आ जाएगी, लेकिन चंकी और स्मूथ का मिक्सचर होना चाहिए। जैसे जैसे मीट जो है वो बड़ा होता जाता है वैसे वैसे चंकीनेस ज़्यादा हो जाती है। तो मटन में जो है वो मीडियम चंकी, उसके बाद फिर सुपर चंकी है ना। चिकन में नो चंकीनेस, फिश में इवन स्मूदर सीख कबाब्स। तो अब ये जाएगा मिक्सी में पिसने के लिए, या अगर आपके स्कीमा मशीन है उसमें पिसने के लिए। एक बार घर घर, फिर एक बार और घर घर, और हो गया। फर्स्ट क्लास एकदम पेस्टी पेस्टी हो गया है। इसके अंदर डाल दो इसका सौतेला भाई। और अगर आपके पास वक्त है तो जैसे हमने मैरिनेट किया है ना मटन, चीज़ फीस डाल के ये वो करके, चीज़ ऑप्शनल था लेकिन आप वो मैरिनेट करके उसको फ्रिज में रख सकते हैं 2-3 घंटे, उसके बाद मिक्सी में घुमाइए। उसके दो कारण हैं, एक तो ये कि ऑब्वियसली फ्लेवर बेटर होगा, मच्योर होगा। दूसरा और मेन कारण जो है वो ये है, कीमा जो है वो मिक्सी में गर्म होता है, तो अगर आप उसको पहले ठंडा होने के लिए रख देंगे 2-3 घंटे तो उसके बाद वो ज़्यादा गर्म नहीं हो। गोश्त को मिक्सी में नहीं पकाना, गोश्त को पकाना है आग पे, वरना आप मिक्सी में ही बना लेते सीख कबाब और आप कहते रणवीर आपने बताया नहीं। आधे को मैरिनेट किया और उसने पूरे में अपना रंग बिखेर दिया। ये जी उबला अंडा जो है ऑप्शनल है, लेकिन दो काम करेगा। क्या? एक तो बाइंडिंग देगा, दूसरा एक बड़ा इंटरेस्टिंग टेक्स्चर देगा, बोन मैरो का टेक्स्चर देगा। लेकिन अगर अगर आपको बोन मैरो मिलती है, हाँ, यानी कि मज्जा बोलते हैं ना उसको हम लोग, वो मिलती है तो मज्जे में डाल दीजिए उसको, चॉप बोन मैरो, उसका जो सीख कबाब में मज़ा होता है ना साहब, फिर उसका कोई मुकाबला नहीं। अच्छा, दूसरा जो है अक्सर आप पूछते हैं कि रणवीर गोट मीट कब ऑर्डर करना है और लैम्ब कब ऑर्डर करना है, क्योंकि आजकल तो दोनों चीज़ें दिखती है ना ऑनलाइन, खासतौर जब आप ऑर्डर करते हैं। तो देखिए, जब आप कोई ग्रेवी वाला आइटम बनाते हैं जिसकी ग्रेवी स्ट्रॉन्ग है, मसालेदार है, तो आपको गोट मीट ऑर्डर करना चाहिए। गोट की गेमीनेस ग्रेवीज के साथ, सॉसेस के साथ अच्छी जाती है। गेमीनेस मतलब गोट का जो अपना फ्लेवर होता है। लेकिन अगर आप कबाब बना रहे हैं तो लैम्ब मीट ऑर्डर कीजिए। क्यों? क्योंकि कबाब में आप ये चाह रहे हैं कि जो जो डेलिकेट फ्लेवर्स हैं वो बाहर आए, और लैम्ब का फ्लेवर थोड़ा डेलिकेट होता है गोट से। सिंपल बता दिया मैंने। और कभी भी कोई भी कबाब बनाएं तो ये पहलवानी करने के लिए तैयार रहें, ठीक है जी? कबाब को मिलाना ही असली कारीगरी है, असली पहलवानी है, और उससे आप नहीं कट सकते, वो मेहनत करने के लिए हमेशा रेडी रहें। अब क्योंकि हम इसको तंदूर पे या सिंगड़ी पे नहीं पकाएंगे, हम पकाएंगे पैन में, इसलिए धुएं का फ्लेवर हम मिस करेंगे, लेकिन हम उसको मिस नहीं होने देंगे क्योंकि हमने यहाँ पे कोयला जला रखा है। हम इसको धुएं का फ्लेवर दे देंगे ताकि धुएं का फ्लेवर इसके अंदर चला जाए और आपको ऐसा लगे कि रणवीर ने तंदूर में पकाया है। ये जी लौंग, घी, नाइस। देखिए, एक तो ये मतलब कटोरी में डाल सकते हैं आप कोयला, है ना, दूसरा फिर आप चपाती में डाल सकते हैं, पुरानी रोटी में। रोटी में डालने का फायदा ये है कि रोटी जो है कटोरी की तरह गर्म नहीं होती, नीचे गोश्त को गर्म नहीं करती, इंसुलेट कर देती है ना, तो इसलिए अगर पॉसिबल है तो पुरानी रोटी में डालिए, वो ज़्यादा बेटर है। और फिर वो रोटी जो है काट वाट के आप उसको चॉप करके दही के अंदर डालिए और एकदम रोटी का रायता बना लीजिए। ये धुंगार में ना कुछ मैजिकल है, बाय गॉड मैजिकल। हाँ, कितनी बार मैं देता हूँ, लखनऊ में तो हम लोग बहुत धुंगार देते हैं, लेकिन हर बार ऐसा लगता है कि कुछ जादू सा हो गया। और कभी भी धुआं देना है किसी भी चीज़ को तो उसके अंदर चर्बी या फैट होना चाहिए, बिकॉज धुएं का फ्लेवर जो है वो फैट में ही अब्जॉर्ब होता है। तो फैटी मीट्स को या फैटी मिक्सचर्स को धुआं देने में ही लॉजिक है। ये लो जी, अभी मिक्सचर रेडी है। इस मिक्सचर को चिल करना ज़रूरी है। हाँ, चिल क्यों करेंगे? चिल इसलिए करेंगे ताकि ये आराम से हैंडल हो जाए, इजीली इसे कबाब बन जाए। अगर आप अभी गरम गरम में कबाब बनाने जाएंगे, कबाब आपके गिरेंगे ज़्यादा, बनेंगे कम। और आप कहेंगे
तो बेसिकली सीख कबाब का मिक्सचर जब तक ठंडा हो रहा है तब तक हम बना लेते हैं जी मसाला। तेल के अंदर ये गया प्याज जो हमने कर लिया जी स्लाइस, ये है जी हमारा धनिया दरड़ा हुआ, प्याज को लेना है जी भून, लेकिन भूनना ऐसे नहीं है कि उसको ब्राउन कर देना, एकदम खड़ा खड़ा मसाला होना चाहिए। तो मतलब प्याज को सॉफ्ट करना है, सॉफ्ट करने के बाद जैसे ही बाहर से हल्का सा लाइट ब्राउन हो जाए वैसे ही टोमेटो प्यूरे जो है अपनी रेडी रखनी है, मसाले रेडी रखने हैं। और ओवरऑल भी ये मसाला जो है रामबाण है, देखिए बहुत बेसिक सा मसाला है, लेकिन उबले अंडे पड़े हैं ये वाले मसाले में डाल दिए, सीख कबाब पड़े हैं ये वाले मसाले में डाल दिए, उबले आलू पड़े हैं ये वाले मसाले में डाल दिए। अच्छा, सीख कबाब में कुछ लोग अजवाइन भी डालते हैं, आप चाहें तो थोड़ी सी अजवाइन डाल सकते हैं सीख कबाब में। अजवाइन जो है वो पाचन के लिए अच्छी होती है ना, डाइजेशन के लिए अच्छी होती है। तो जब बहुत ज़्यादा मीटी चीज़ें होती हैं, जो बहुत ज़्यादा रेड मीट वाली चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा अजवाइन उसमें डाल दिया जाता है। हल्दी, थोड़ा बेबी धनिया पाउडर, बेबी धनिया क्योंकि बहुत धनिया पहले पड़ चुका है, थोड़ी हींग डाल दो जी, हींग मेरा फेवरेट है, मैं डाल देता हूँ, वैसे नॉनवेज में इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं हींग की। एकदम उसको क्रिस्पी फ्राई नहीं किया मैंने प्याजों को, हाँ अब डाल दिया इसमें थोड़ा सा एक्साइटमेंट उर्फ अदरक लहसुन पेस्ट, लेकिन एक्साइटमेंट जो है वो कच्चा नहीं रहना चाहिए, उसको भून लो जी। एक्साइटमेंट और मसाले ये दोनों साथ में पकने चाहिए, और जैसे ही एक्साइटमेंट के भुनने की खुशबू आ जाए वैसे डाल दीजिए देगी मिर्च। जिंदगी कैसी है पहली हाय, कभी ये हंसाए कभी ये रुलाए। संग संग खेले देखिए, हाथ कर लीजिए गीले, उसके बाद आप ये समझ लीजिए कि पेड़ा कितना बड़ा बनाना है। आइसक्रीम स्टिक ले लिए मैंने, आपको जो लेना है ले लीजिए, आइसक्रीम स्टिक के ऊपर ऐसे लगाना है। ये देखिए, ये जो दो फिंगर्स हैं और ये जो हिस्सा है अंगूठे का, ये बस खेल जो है वो सारा इसी का है। और अगर इतनी मेहनत नहीं करनी तो बहुत सिंपली गोले बनाइए, पैटी बना के, और सेक लीजिए उसको, वो भी चलेगा, और बनाइए ज़रूर। और अगर बिल्कुल मेहनत नहीं करनी जैसे मैं कह रहा था, एक काम करिए, ऐसे पेड़ा लीजिए, हाथ गीले कीजिए और ऐसे सॉसेज बना लीजिए, देखिए सॉसेज बना के सेक लीजिए। बेसिक टेक्निक यही है, दबाते जाइए फैलाते जाइए, दबाते जाइए फैलाते जाइए। एक दो तीन चार पाँच छः ऐसे घुमा दिया ताकि ऐसा ना हो कि एक तरफ से मोटा एक तरफ से पतला रह जाए। डन। अब देखिए इसको इस तरह आप सीख कबाब बना के फ्रिज में डाल सकते हैं, हैं, और उसके बाद चाहे तो सीधा एयर फ्रायर में भी डाल सकते हैं, सीधा ओवन में भी डाल सकते हैं, तवे पे सेक सकते हैं, जैसे मर्जी पका लीजिए। तो सारी जो आपकी मेहनत है वो इसमें अगर लग रही है तो पहले से बना के शेप दे के रख लीजिए फ्रिज में, कुछ नहीं होगा इसको, एक दिन तक मेरी गारंटी है फ्रिज में कुछ नहीं होगा, ठीक है जी। तो सीख कबाब जो शब्द है वो आता है शीश कबाब से, और शीश जो है वो सरिये को बोलते हैं, और इसलिए लोग अक्सर कहते हैं क्योंकि टर्किश में शीश सरिये को बोलते हैं, तो इसलिए टर्की में सीख कबाब का जन्म हुआ। सीख कबाब या जो आज का सीख कबाब है उसका जन्म जब से युद्ध हो रहे हैं तब से हो रहा है, जब से तलवार से युद्ध हो रहे हैं तब से हो रहा है। बहुत कॉमन प्रैक्टिस है अक्रॉस द वर्ल्ड, खासतौर ग्रीक सोल्जर जो थे वो शिकार का मीट जो है तलवार पे लगा के आग पे सेक के खाते थे जब लड़ाइयाँ होती थी। और ये कहा जाता है कि ग्रीक और टर्की जो इतने आजू बाजू हैं, प्रॉबेबली टर्की ने उस आइडिया को लेके रिफाइन कर दिया, उसको एवरीडे स्ट्रीट फूड बना दिया। हाँ, बट ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि यार ये किसी ने पहली बार ये तकनीक निकाली। इनफैक्ट शमशीर कबाब करके पर्जिया में बहुत समय से एक कबाब है, जो कि शमशीर मतलब तलवार, जो कि एक्चुअली तलवार के ऊपर ही बनता है। और आज भी जो पर्जियन सीख कबाब हैं, ईरानी सीख कबाब हैं, वो चपटी सीख पे बनते हैं जो एक्चुअली तलवार जैसी ही लगती है, ठीक है। सच है या झूठ, कहानी सबको पूरी पता होनी चाहिए। देखिए, अगर आप पैन पे पकाना चाहें ना तो पैन पे भी पका सकते हैं। एक्चुअली पैन पे पकाने का फ़ायदा यह है कि इसे आप कवर कर सकते हैं, और अगर आप कवर करेंगे तो अच्छे से बराबर से सब तरफ से पकेगा। देखिए, अगर आप इसको ऐसे पास पास रख के पकाएंगे तो उसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि एक दूसरे की गर्मी से भी पकते रहेंगे, वरना साइड्स कच्ची होने के चांसेस हैं, तो इसलिए पास पास रख के पकाइए इसको। ये देखिए क्या फर्स्ट क्लास।
थोड़ा घी लें और घी जो है जहाँ पे आपने कबाब पकाए थे वहाँ पे डाल के सारा फ्लेवर खींच लें और अपने कबाबों के ऊपर लगा लें। आप इमेजिन करिए कि आपके बचे हुए सीख कबाब हैं जिनके साथ आपको पता नहीं क्या करना है, या फिर ये वो हैं जो सीख कबाब बन गए हैं लेकिन पार्टी शाम को है, दोस्त बाद में आने वाले हैं, तब तक सीख कबाब ड्राई ना हो जाएं, वो वाले सीख कबाब समझ लीजिए। इसका एडवांटेज ये है, इसको हम ढक सकते हैं। ढकने से क्या है, भाप में गर्म भी रहेगा, पक भी जाएगा और उसके बाद निकाल के बस बढ़िया सी प्लेटिंग करते हैं, हो जाएगा बस। ऊपर से डाल देते हैं थोड़ा मसाला। ये वाले सीख कबाब के साथ चाहिए रुमाली। भैया रुमाली हो और ये सीख कबाब मसाला हो, बाद अगर मजा ना आए तो मूछे मुड़वाने के लिए तैयार हूं मैं। और ये काटो बीच से, वाह। और ये जब सेकें तो आंच मीडियम रखें, ढक दें। अगर आपको डाउट है तो सिल्वर फॉइल से कवर कर दें। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको फ्रीज करना है सीख कबाब तो ऊपर से बस रंग देके तुरंत फ्रीजर में डाल दें। तुरंत मतलब ठंडा भी ना होने दें, सीधे फ्रीजर में ठंडा होने दें। ऊपर से क्रस्ट आ जाएगी, अंदर से कच्चा रहेगा, दोबारा जब पकाएंगे तो एकदम बढ़िया जूसी हो जाएगा। इससे ज़्यादा सीख कबाब के बारे में मैं आज ज्ञान नहीं दूंगा, मतलब फिर दोबारा भी तो काकोरी आकोरी की रेसिपी बताएंगे आपको, है यही सब बता दिया तो फिर आप वो नहीं देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर ऑल द लव, थैंक यू फॉर झेलोइंग मी अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड कमिंग बैक। I don't know why you do that, but बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you.